પત્રે પધારેલા તમામ ભક્તજનોનું શિવમ ગ્રુપ જોશી શેરી જલારામ ચોક ફોડીનાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. નીલાંજન સમાવાસમ રવિપુત્ર યમાગ્રજમ છાયામાતંડ સંભૂતમ તમ નમામી શનેશ્ચરમ. મનુષ્ય અપને કર્મો સે શ્રેષ્ઠ હોતા હૈ ઔર બુરે કર્મો સે પાપી બનતા હૈ ઔર હમારે કર્મો કા ફલ દેતે હૈ શનિદેવ, જો અપને સારે સાથી કે લિયે વિખ્યાત હૈ, જિનકા નામ સુનકર લોગ થર થર કાંપતે હૈ. साक्षात देवता भी जिनसे भयभीत होते हैं, उन्हीं सूर्य पुत्र शनि और उनके महात्म्य के बारे में जानते हैं. यह है राजा विक्रम, जिन्होंने एक बार अपने अहंकार में आकर शनिदेव की निंदा की. शनिदेव के जन्म के समय जब उनको सूर्यदेव और उनके सारथी ने देखा तो दोनों ही कुष्ठ रोगी बन गए और सूर्यरथ के अश्वतो नेत्रहीन हो गए. ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो जन्म से ही पिता के लिए मुसीबत बने. शनिदेव उसी समय आकाश मार्ग से जा रहे थे, उसी क्षण वो विक्रम के सामने आ जाते. विक्रम, लगता है तुझे अहंकार ने अंधा कर दिया है. दूसरों की निंदा करना, दूसरों को कष्ट देना, चोरी करना, यह सब पाप है. तुझे अपने वीरता और दानी होने पर गर्व है, पर कर्म के विपरीत तेरा यह आचरण तेरा पतन कर देगा. ऐसे पापियों को मेरे वक्र दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता. राजा विक्रम को जैसे मुसीबतों ने घेर लिया, उनको वन वन भटकना पड़ा, खाने के लिए तरसना पड़ा. जब वो पेड़ से फल तोड़ने वाले थे, उसी क्षण सारे पत्ते और फल लुप्त हो गए. उसके बाद जब वो तामलिंदापुर नगर पहुंचकर एक साहूकार के घर विश्राम कर रहे थे, उसी क्षण कक्ष में रखा हुआ हार निर्जीव हंस निगल लेता है. के चोरी का आरोप भी उन पर लगता है और उनके हाथ पैर काटने का आदेश वहां के राजा देते हैं. छोड़ दो मुझे. अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की, यह सब शनिदेव की माया का प्रकोप है. छोड़ दो मुझे. ऐसा ही अहंकार इस ब्राह्मण को हुआ. अरे ये शनिदेव मेरा क्या अनर्थ करेंगे, मैं तो श्री विष्णु का इतना बड़ा भक्त हूँ. दो चार पाप भले ही मुझसे हो गए हो, पर उससे मुझे क्या होने वाला है. चलते चलते वो एक बगीचे में पहुंचते हैं. अरे ये तरबूज तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, घर ले जाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएगी. अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इकता नहीं, तरबूज ले जा रहा हूँ. तरबूज है वो तो ठीक है, पर इसमें से खून क्यों टपक रहा है? खून कहाँ है? अरे ये कैसे हो गया? चुँ, 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 चुँ,
प्राचीन है, जिंदगी मार डाला, चल हमारे राजा के पास। अरे मैंने दो छू, मैंने किसी को नहीं मारा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उसके बाद रावण पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी। ये शनिदेव केवल दुर्बल मनुष्य को दंड देते हैं, मुझ जैसे शक्तिशाली को नहीं। मैं रावण हूँ, रावण, और मुझे परास्त करना असंभव है। देखो कैसे मेरे चरणों में नीचे पड़ा है। रावण पर वक्र दृष्टि पड़ते ही उसकी दुर्गति शुरू होती है और शुरुआत हनुमान जी लंका दहन से करते हैं। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। शनिदेव हर युग में पापियों का नाश करते आए हैं। इस चोर को ही देख लो, इसने शनि शिन्नापुर में ही चोरी की। अब मैं शिनापुर से बहुत दूर आ चुका हूँ, यही विश्राम करूंगा। पर सुबह होते ही उसने खुद को शनि मंदिर के सामने पाया। गणेश भक्तों, हम गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सदा अच्छे कर्म करने की हमें सर्वोदय दे।